अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनकी एक्टिविटी पे आपको राइट नाउ शक हो रहा है, और अगर आप उनसे आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि हे क्या आपकी लाइफ में कोई है विदाउट बिसाइड्स मी, येस और नो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जनरल मैं फिर पहले बता दूं कि ये जनरल रीड है, तो बहुत सारे लोगों से रेजिनेट करेगी नहीं करेगी, हमेशा बड़ा डिसीजन अपनी प्राइवेट रीडिंग के बाद लेना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि अगर मेरी सब्सक्राइब ओ गॉड दिस आ भी गया एक कार्ड, ओ शिट, और जो कार्ड आया वो मुझे पसंद नहीं है वैसे, कि क्या वैसे तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं 3 कार्ड्स और पुल करूँगी फॉर योर जस्ट फॉर यू गाइस। ओके, क्या है उनकी लाइफ में कोई और है मेरे सब्सक्राइबर्स के अलावा भी? लव एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एक कार्ड मैं टूवर्ड्स यू लूँगी, एक टूवर्ड्स योर थर्ड पार्टी लूँगी। थर्ड पार्टी तो कन्फर्मेशन हो गई है, लेकिन मैं बताती हूँ कि मसला क्या है। ठीक है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा इस रीड को कैरी ऑन करने का, लेकिन अगर वो पता है आप लोग को पागल ना बनिएगा कि जैसे आपको देखिए ये रीडिंग्स पता है क्यों होती हैं आप लोगों को वक्त से पहले जैसे कहते हैं ना कि एहतियात करें, एहतियात इलाज से बेहतर होता है। अगर आपके पास ये रीडिंग आ गई और अगर आपको डाउट है आपके पर्सन का और अगर मैंने इसमें बता दिया कि है, तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं नहीं मैम तो यूँ नहीं हो, यूँ नहीं हो सकता है, मेरा पार्टनर तो मुझे चीट ही नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक दैट कि यू शुड गो फॉर विद द पर्सन अपने आप कि देखिए चीट करने का देर इज़ अ रीज़न, मैन तब चीट करते हैं, देर इज़ समथिंग। अगर आप मैरिड लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नेवर मैरिड जो होते हैं ना उनका तो कोई ईमान ही नहीं होता है, सॉरी टू से, वो तो जिसको दिल चाहे चीट करे। मैं मैरिड लोगों की बात करती हूँ क्योंकि मुझे सब लोग देखते हैं। अगर आप मैरिड है और आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है ना, दैट्स मीन देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर सिचुएशन ना, तो उसके लिए तो हमें जो प्राइवेट रेट प्रेफरेबल होती है। लेकिन आई थिंक इसका आप कार्ड देखें ना, थर्ड पार्टी के लिए कैसे कार्ड आ रहे हैं, डेविल का मतलब सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं आप लोगों के साथ। मैं एक कार्ड आपका ले रही हूँ और एक आपके थर्ड पार्टी का, एक लव मैसेज मैं आपको लूँगी। आ गया है यू वर द बेस्ट थिंग, चलो ये अच्छा है। अब थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं क्या आता है। ओके, देखिए अगर आप लोगों ने सोचा था ना कि आपके पार्टनर ही, लेकिन ये हुआ क्यों है, अरे कब से हुआ है, चेंजेस कब से हैं एग्जैक्टली ये डबल कन्फर्मेशन हो गई है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप नॉन मैरिड हैं, आपके साथ किसी का फिजिकल रिलेशनशिप है, आपका मॉरल सपोर्ट आपको करता है, आपको कोई भी घर है आपका, अगर ये सवाल था कि आपके अलावा उनकी लाइफ में है, तो मुझे पहले तो आपके पर्सन बहुत चार्मिंग नज़र आ रहे हैं, इन द सेंस कि अच्छी हाइट और अच्छे अपेयरेंस वाली शख्सियत नज़र आ रही है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और मे बी आई एम नो इफ आई एम नॉट वॉन्डरिंग, तो आप लोग भी इसी तरह अट्रैक्ट किए थे उनको, बिकॉज देयर आइज आर वेरी ब्लशेस, लाइक ब्लश करती है जब वो बात करते हैं, छोटी और आती है, लाइक समवन लाइफ के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन जो बहुत इनोसेंट आपके पार्टनर्स लगते हैं, बट देयर मैं वर्ड नहीं बोल सकती ना, आर से आता है फ्रॉम, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ आर से, ओके प्लीज़ कीप इन माइंड, ना क्या बोलूँ मैं उसका वर्ड पैरल। लेकिन द थिंग इज कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स को चीट कर रहा है मेरी नज़र में, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा ना, पहली चीज़ तो ये, बिकॉज आई ऑल दो अगर मैं आपके लिए कार्ड निकालूँ दो, तो मैं आपको देखूँ क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स, व्हाट यू वो गाइज आर, ओ माय गॉड यू सो इनोसेंट गाइज। पहली बात तो आपकी जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुई ना, तो आप तो इस चीज़ में पहल करना चाह ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती आपके पार्टनर ने आपको धकेला इस रिलेशनशिप में। 40-50% लोगों के साथ ये हुआ है, मोहब्बत जगा के भाग गए आपके पार्टनर,
आपने फिर इस मरे हुए रिलेशनशिप को हमेशा ज़िंदा रखा अपनी मोहब्बत से, खलूस से, गिफ्टिंग करते हुए बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन आपके आप लोग फाइनेंशियली भी आपने अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया है, और मॉरली भी अगर आपने किया है तो कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर आपको चीट करें, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, राइट? बट द थिंग इज कि थर्ड पार्टी के साथ इनका मैं ये नहीं बोलूँगी कि फिजिकल रिलेशनशिप है, वो तो मैं प्राइवेट में ही सच्ची में देख के बता सकती हूँ, लेकिन द थिंग इज कि ये कार्ड बहुत कम रीडिंग्स में आता है। अभी राइट नाउ आपकी जो थर्ड पार्टी है वो हर तरह से ट्रैप करके आपके पार्टनर, अब ना आपके पार्टनर चिड़चिड़े हो गए हैं आपके साथ, ज़्यादा टाइम जितना आपको देते थे अब नहीं देते, बहुत सारी बातें जो आपसे शेयर करते थे वो ऐसे कर ही नहीं रहे। इवन आप लोग पहले खाने की डेट्स पे, घूमने, ड्राइव, मैरिड लोगों के लिए ही बात कर रही हूँ, अब ज़्यादातर टाइम उनका फ़ोन पे और बाहर गुजार रहा है इस ही वजह से, ठीक है? मैं एक और एडवाइस लूँ अगर तो क्या है वो, आप डेली ये बात सोचते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स कि क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से, इवन कि मुझे तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अपनी थर्ड पार्टी के मैसेजेस खुद पढ़े हैं, मुझे मैरिड लोगों के लिए बहुत सेंस आ रही है, राइट? लेकिन अगर आप नॉन मैरिड, अगर नॉन मैरिड भी हैं तो भी आप लोगों को इंट्यूशन आप लोगों की बहुत अच्छी, गुड है, वेरी नाइस। बट द थिंग इज़ कि अब इस सिचुएशन में आगे क्या करना है, क्या छोड़ देना है? अगर छोड़ना है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बंदे को निकाल दो, लेकिन अगर आपको दिखवाना है कि आया ये मैजिक के थ्रू करवाया है, आया ये क्योंकि आपके पर्सन चार्मिंग बहुत हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें खूबसूरत मर्द चाहिए होते हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं इनको पैसा चाहिए होता है, अच्छा खासे स्टेबल भी नज़र आते हैं क्योंकि आपके पार्टनर इज़ नॉट लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन के जो बहुत कोई रोड का पति है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? तो अब वो तो प्राइवेट नहीं पता लगेगा किस तरह कुछ भी हो, लेकिन द थिंग इज़ द प्रॉब्लम इज़ कि अब आप निगलेक्ट हो रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर निगलेक्ट हो रहे हैं, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी रिमूव होनी चाहिए। अब आप मुझसे करवाएं किसी और से कराएं, इट अप टू यू, राइट? लेकिन दिखवाएं ये रिलेशनशिप कितनी डेप्थ का है, रिमूवेबल है भी या ज़िंदगी भर आपको शादी का अगर मे भी अगर आपके पार्टनर, बिकॉज मुझे फिज़िकल जो है ना अट्रैक्शन ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मे भी अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली हो। वैसे भी आजकल पाकिस्तान, इंडो पाक में या दूसरी जगह पे आजकल ये छुपा के जो शादियाँ हो रही हैं ना, ये बहुत हो रही हैं, तो मे बी आपके पार्टनर ने निकाह कर लिया, आप खैर वो तो रीड प्राइवेट में ही पता लगेगा, क्योंकि हमें थाउजेंड्स में लोग देखेंगे तो फिर हर किसी की एनर्जी तो ये सेम नहीं हो सकती ना, और जिनकी एनर्जी सेम है तो सेम लिख के फराया से ज़रूर लिखिएगा ताकि लोगों को हेल्प मिले। जब आप दूसरों के लिए हेल्प करते हैं ना तो गॉड आपको रिवर्स में हेल्प करता है, आपके सेम लिखने से मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना सामने वाले को, लेकिन द थिंग क्या होगा कि वो इससे फिर अंदाज़ा होगा लोगों को कि जी हाँ ये रीड ऑथेंटिक है, तो इससे लोग फिर ज़्यादा आएंगे और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो देखेंगे, तो लोग फ्रॉड्स के पास जाते जाते बचेंगे, ओके? लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना है, यू शुड गो फॉर प्राइवेट रीड, बिकॉज इसके बाद सेंसेस गलत की तरफ जा रही हैं, क्योंकि मे बी आप कितना खींच लेंगे इस तरह के उसको, एक हद के बाद तो आप भी ही नहीं कर सकते ना जो आप अभी राइट नाउ करें, कितना इग्नोर करेंगे, कितना चीज़ें करेंगे, हर चीज़ तो करके देख दिया आपने उनको, बट द थिंग इज़ कि उनकी जो इंटरनल फीलिंग है, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है? अब आई रिग्रेट टू लाइंग विद यू, मतलब द थिंग इज़ कि आपके जो पार्टनर हैं दोनों में पिस के रह गए, वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, आपकी तरफ भी झूठ बोल रहे हैं, और दोनों तरफ से ठुक रहे हैं वो अच्छे तरीके से, कुट लगी पई है, बट द थिंग इज़ कि दिल आपकी तरफ है, लेकिन अब वो किस तरह उन्होंने उस तरफ कर लिया और कब तक ये रहेंगे, ये तो आपको प्राइवेट में ही दिखवाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।